हिमाचल में 4 में से 4, उत्तराखंड में 5 में से 5, मुंबई 6 में से 6, दिल्ली 7 में से 7, राजस्थान 26 में 26, गुजरात 25 में 25, मध्य प्रदेश 29 में 27, छत्तीसगढ़ 11 में 10, और जब यूपी खुला तो 80 में से 73 आते ही आंकड़ा खुला। अब 272 प्लस का लक्ष्य संभव हो गया। हम अपने तौर पर 282 जीत कर आए, हमारे सहयोगियों की ओर से हारा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये जो इतना वोट पड़ा उसके पीछे एक उम्मीद थी। इट वॉज एन इलेक्शन ऑफ होप, ये उम्मीद का चुनाव, क्योंकि पुराने 5 वर्षों में देश ठप हो गया, कुछ भी चलता हुआ नहीं दिख रहा। अखबारें लिखने लगी थी इंडिया ग्रोथ स्टोरीज ओवर, सक्सेस स्टोरीज ओवर, तो कहीं ना कहीं उस ठप खड़े हुए देश को कोई चला देगा, दौड़ा देगा, निर्णय होने लगेंगे, देश वापस पटरी पर लौटेगा, ये एक उम्मीद वो वोट करता है। इसलिए गरीब ने डाला, अमीर ने डाला, पढ़े ने डाला, अनपढ़ ने डाला, महिला ने डाला, पुरुष ने डाला, और युवा ने तो ऐसे डाला जैसे उनको लग रहा था कि उस स्वयं हमारी आमी इतना वोट करा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये उम्मीद का वोट था, इसलिए हमें इस जिम्मेदारी का भी एहसास है कि हमें इस उम्मीद पर खड़े उतरना है, और इस बात का भी एहसास है कि जो उम्मीद से वोट देता है वो बहुत जल्दी अधीर भी हो जाता है, बहुत जल्दी बेचैन भी हो जाता है, उसके पास समय नहीं होता। इसलिए वी नो वी हैव टू डिलीवर एंड वी ऑल्सो नो दैट वी हैव टू डिलीवर फास्ट। हमें करना है और जल्दी करना है, और इसीलिए बहुत बड़ा एम्बिशियस एजेंडा हमने पहले महीने में आप सबके सामने रख दिया, पूरी दुनिया के सामने रख दिया। 100 नए स्मार्ट सिटी, पूरे हिंदुस्तान में रेल पटरी, कोई भूभाग हिंदुस्तान का ऐसा ना बचे जो रेल की पटरी से जुड़ा ना हो, सारे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण, हर गांव और शहर में रहने वाले व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी, 2400 घंटे बिजली का प्रबंध, स्किल डेवलपमेंट के साथ हाथ को काम। हमने 3 मूल मंत्र रखे हैं, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर पेट को रोटी। कोई काम बिना हाथ के खाली नहीं रहेगा और कोई खेल प्यासा नहीं रहेगा। ये 3 बड़े लक्ष्य सामने रख करके हमने अपना एजेंडा सेट किया। इसलिए मैं आई हूँ। आज ये रिजनल प्रवासी भारतीय दिवस केवल एक रस्म निभाएगी नहीं, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। मैं आपको आमंत्रित करता है कि एक समय था जब आपने सोचा कि लंदन जाने का समय है, आज मैं कहीं आ गई, अब भारत आने का समय। एक काम जरूर भारत में रखिए, बहुत अवसर, बहुत अपॉर्चुनिटीज। हम इतने बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट करने वाले हैं कि भारत की जरूरतों को तो हमारा यूथ पूरा कर ही दे, हम पूरे विश्व की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। क्यों कर सकते हैं कि 65% हमारी जनसंख्या 35 वर्ष से कम की है। हम एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति सबसे पुरानी है लेकिन जिसकी आबादी सबसे नई है। इतना यंग कंट्री है, 65% जनसंख्या जिनकी 35 वर्ष से कम है। लोग कहते हैं 121 करोड़ लोग हैं आपके यहाँ, कैसे खिलाओगे? तो मैंने कहा 121 करोड़ पेट हैं तो 242 करोड़ हाथ भी हैं। दौड़ेंगे तो केवल हम ही नहीं खाएंगे, हम औरों को भी खिलाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत बड़े अवसर हैं, और हमने इस पूरी ठप पड़े देश को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आप आइए, मैंने जैसे कहा मेरे पास समय कम था, इसलिए कि 18 को एक कैबिनेट की मीटिंग है बैठी है वो, जिसमें मेरा अपना कैबिनेट होता रहा है, इसलिए मुझको पहुंचना जरूरी है। मैं आज रात को जा रही हूँ, वरना मैं आपकी सारी डिलीगेशन में बैठना चाहती हूँ। पर मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि आपका एक कार्यक्रम खत्म हो जाए, प्रेम नारायण जी हमारे जो सेक्रेटरी हैं इस महकमे के, वो वापस जाएंगे,
मैं सबसे पहले उनके साथ बैठकर वो सारी चीजें जानूंगी कि कौन से मुद्दे आपकी चर्चा में उभर कर आए। खुलकर चर्चा करें, उन्मुक्त चर्चा करें, जहां आलोचना करनी है आलोचना करें, जहां समस्याएं बतानी है बताइए, अगर उसके साथ सुझाव दे सकते हो तो वो भी दीजिए। लेकिन मैं उनके साथ बैठकर वो सारे मुद्दे जो चर्चा में आएंगे उनको देखूंगी, जो समस्याएं आएंगी उनको देखूंगी और एक एक मुद्दे का, एक एक समस्या का निदान करूंगी। आपको आश्वासन दे जब मैं कहती हूँ कि ये रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस सफल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाए पिए ताली बजा के उठ जाए, ये रस्म निभाएगी नहीं है। अब जो भारतीय प्रवासी दिवस में कर रही है, चाहे वो गांधीनगर का हम करें चाहे रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितनी उम्मीद भारत के लोगों ने जताई है इस सरकार से, उससे ज्यादा उम्मीद भारत से बाहर रहने वाले हैं। क्योंकि अपना एक कहावत है, बहुत प्रचलित कहावत है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक भारतीय भारत के बाहर जा सकता है पर भारत भारतीय के दिल से बाहर नहीं जा सकता। आपका दिल वहां है, आपसे जुड़े लोग वहां हैं, इसलिए आप अपनी तमाम समस्या को खुलकर यहाँ चर्चित करें। उसके बाद मैं सेक्रेटरी साहब के साथ बैठकर उसका निदान करूंगी और जैसे मैंने कहा था मैं खुद आई हूँ आपको ये अवसर बताकर, आपको न्योता देने, आह्वान देने। हमारा आह्वान स्वीकार कीजिए और अपने देश आइए। Now we don't have a coffee break just at the moment. We are only doing that for an hour or so.